de sabere, subh savere sama ke saath. Gham ho ya khushi ho, kehna hai keh do dil ki har baat. Jeene ka maza to subah mein hai. Assalamu alaikum and a very very good morning to you all. It's a bright beautiful day, well not really bright but it's a beautiful day, amazing day. Main ek aisi jagah hu jahan hum sab jante hain, hum sab usse ishq karte hain. Pakistan ka dil hai Lahore aur Lahore ka dil yahan par log khade ho gaye humko dekhne ke liye. A very good morning to you. Is ird gird mere phool hain lekin aaj ka show bahut different hai. Aaj ka show ek aisa show hai jisse pehle na kabhi maine kiya, honestly maine kabhi nahi kiya aur na shayad aapne dekha ho. Aaj है तो शादीवादी का शो. आइए आइए आपको पूरा लिबर्टी दिखाता हूँ. आइए ये लिबर्टी चौक है, लाहौर का सबसे बड़ा चौक. आइए 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 यहाँ जाइए. आ जाइए आ जाइए जी. कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आ जाइए. ना तो ऐसा शो मैंने कभी किया और ना शायद मैं ऐसा शो कभी करने जाऊँगा. आज मैं आपको दिखाऊँगा एक ऐसा ट्रेडिशन जो मुरीद के में होता है, हर साल होता है और इस साल वहाँ 92 शादियाँ हो रही हैं. 92 मैरिजेज आर हैपनिंग. 92. आज का शो आपने भूलना नहीं है. जल्दी जल्दी चाय बनाइए, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाइए और मेरे साथ आइए. मैं आपको फूल दिखाना चाहता हूँ. जल्दी से आए, जल्दी से आए. तुम भाग सकते हो मेरे साथ, हल्के हल्के भाग सकते हो. आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. ये आप फूल देखिए, बहुत खूबसूरत है. और ये वाला यहाँ पर एक भोली जूस कॉर्नर है. ये वो भोली जूस कॉर्नर है जहाँ पर नवाज शरीफ साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको यहाँ का जूस बहुत पसंद है. ये शोहरा आफाक लिबर्टी चौक है. यहाँ से लोगों को इश्क है. रीज़न इज जब रात का वक्त होता है तो यहाँ पर सारे के सारे लोग अपनी गाड़ियाँ लेके खड़े हो जाते हैं. समा की बिल्डिंग वो सामने है, वहीं से मेरा रेडियो होता है और वहीं से टेलीविज़न होता है. मैं चूँकि कराची में रहता हूँ, अब कराची में रहता हूँ. पहले जब मैं लाहौर में रहता था तो ये समा का रेडियो है, यहाँ से समा का रेडियो होता है और यहीं से समा का टेलीविज़न होता है. तो आपने आज कुछ नहीं करना, आज आपने सिर्फ मेरे साथ रहना है क्योंकि मैं आपको दिखाऊँगा 92 शादियाँ. एक ऐसा शो जिससे पहले ना कभी आपने देखा है ना कभी आप देखेंगे. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. मैं मुरीद के जा रहा हूँ. इट्स वेरी कोल्ड हेयर और ये हसीन से फूल जो हैं ये बड़े कमाल फूल लग रहे हैं. ऑनेस्टली इट्स ब्यूटीफुल. इट्स मॉर्निंग. इट्स थोड़ा सा ये फॉग है लेकिन बहुत हसीन लग रहा है, बहुत हसीन लग रहा है. मुरीद के में ये 92 शादियाँ हैं जो हम आपको आज दिखाने जाएंगे. आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा. माय नेम इज़ साहिल लोधी. जाना कहीं नहीं है. अभी जब हम कट करेंगे तो मैं मलकू की तरफ जाऊँगा. मलकू मेरे साथ ट्रैवल करेंगे. मैं आपको ये पूरा ट्रैवल लॉग दूंगा. जब हम गाड़ी में बैठेंगे मैं तब भी आपको बताऊंगा. हुमैरा अरशद इज गोइंग टू बी देयर, अहमद बट इज गोइंग टू बी देयर, एवरीवन एंड ऑफ कोर्स वो 92 दूल्हा दुल्हन जिनकी आज हम शादियां करवाने जा रहे हैं और साथ साथ वो रस्में जो गांव की होती हैं जिससे पहले हमने कभी नहीं देखी. तो कहीं नहीं जाइएगा. आई लव यू गाइज. और अब जब कैमरा कट होगा अगले कट के अंदर आपको नजर आएगा. मैं कहूँगा मलकू से, हेलो मलकू, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. आ जाए. अच्छा, कहा तो मैंने ये था कि आपको जो नेक्स्ट शॉट मिलेगा वो ये मिलेगा कि मैं मलकू से बोलूँगा हेलो मलकू, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. मैं एपीवी चला रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं एपीवी चला रहा हूँ, खुद चला रहा हूँ. मेरे साथ अली इमरान बैठे, पीछे बैग बैठे हमारे कैमरामैन है और सामने एक और कैमरा है जो मुझे मुसलसल देख रहा है. तो अब लेट्स सी कि क्या होता है. हमने ठोकर न्याज बेग पे रुकना है जहाँ मलकू हमको ज्वाइन करेंगे और वहीं पर हमने कॉफ़ी लेनी है. और आज का शो जो है वो बहुत अच्छा है. रीज़न इसलिए बिकॉज यू नो यहाँ पर मतलब इट्स एन अमेजिंग शो, इट्स एन अनबिलीवेबल शो. रीज़न इज बिकॉज आई थिंक 92 शादियाँ कहीं पर मैंने होते हुए नहीं देखी हैं और आई थिंक आज मैं भी खुद पहली मरतबा इन शादियों को देखूँगा. हम लोग यहाँ पर रुके हैं और अब हम कॉफ़ी लेने जा रहे हैं. कॉफ़ी के बाद मलकू से, हुमैरा से और अहमद भट्ट से मुलाकात हो रही है. आई होप अच्छा जी, जैसे कि मैंने वादा किया था आपसे कि नाओ इट्स मलकू भाई. मलकू भाई, अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक. ऑलराइट, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट. इससे पहले हम लोगों ने ऐसे शोज कभी नहीं किए, मैंने तो कम से कम कभी नहीं किया. आज पहला इतफाक है. अच्छा, आई वांट टू से समथिंग अबाउट मलकू भाई. कल मैं इनसे कहा, मलकू भाई मुरीद की हमें शादियाँ हैं और जाना है आज. सुबह 3 बजे तक इनका शो था और ये जो हैं वो 3 बजे के बाद सोए नहीं और अब इस वक्त हम लोग मुरीद के जा रहे हैं. इस वक्त हम जिस जगह हैं दैट इज़ कॉल्ड द हाईवे M2 और ये M2 का हाईवे है. अब से थोड़ी देर के बाद मुरीद के आ जाएगा. कितना दूर है यहाँ से? ये मोटरवे है, ये वही हाईवे. यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 20 से 25 मिनट लग जाएंगे. 20 से 25 मिनट. हम आपको 20 से 25 मिनट हमारी बातें नहीं सुनवाएंगे, कट कट करते हुए चलेंगे. एंड लेट्स सी, आर यू एक्साइटेड? सर भी मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ. हाँ, उसकी वजह यह है कि आज कितना खूबसूरत दिन है मेरी ज़िंदगी का
कि मैं किसी काम आ रहा हूँ, जबरदस्त एक नए कॉज में मैं भी जो अपनी पार्टिसिपेशन है वो कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन मैंने आपसे जैसे कहा था कि हम कट कट करके यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं और मलकू भाई जो है वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ मुरीदके पे आ गए हैं, और मुरीदके में ये अनवार कॉरपोरेशन है जहाँ पर ये सारी शादियों का इंतज़ाम है। आज करीबन 100 शादियाँ जो हैं वो यहाँ पर होने वाली हैं, और मेरे पास मैं शाह साहब के साथ इस वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ। इनसे मैंने पूछा था कि आप लोग यहाँ पर क्या क्या करते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि पहली जो इब्तदा है वो शाह मदीना से हुई है, तो ये बहुत कमाल है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये इतना मुबारक काम कर रहे हैं, कितना नेकी का काम कर रहे हैं कि मैं और मलकू भाई यही बात करते हुए आ रहे थे कि यार ऐसा अल्लाह ताला ऐसी तौफीक जो है वो तमाम लोगों को दे। ये बहुत बड़ा काम है जो ये लोग कर रहे हैं। यहाँ शाह साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप शाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक ठाक हैं। अल्लाह कैसा लगता है, कैसा आप कैसे किए, कितना ऐसा बड़ा काम कैसे कर लिया? ये हजूर सरवरे कायनात के नालायन मुबारक का तसद्दुक है, वरना हम तो इस काबिल नहीं थे कि इतना बड़ा काम कर लेते। तो ये 10 साल से ये कर रहे हैं, पहले 8 साल 63 बच्चियां हर साल रुखसत करते रहे हैं। अच्छा। और गुज़िश्ता साल भी 92 की थी, वो 63 साल हजूर सरवरे कायनात की उम्र मुबारका के मुताबिक था, और ये 92 जो है हजूर के जो हरूफ अब्जद हैं उसके मुताबिक किया जा रहा है, यानी गोया हर निस्बत जो है सारे जमाने ही आपकी निस्बत से है। बिल्कुल है, पहला जमाना भी अल्लाह का जो आपसे पहले नाजर हुआ, वबिल आखिरत हम यू के नून, आखिरत भी, ये तीनों जमाने ही आपके हैं। सो हमारी सब निस्बतें जो है हुजूर सरवरे कायनात के नाम से हैं, और ये भी 92 जो है आपके हरूफ़ अब्जद के नाम से रखा गया। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आपकी मदद करते हैं वो कौन कौन है, इनका तारुफ करवाइए। ये सबसे बड़े जो हमारे मदद करने वाले हैं वो तो ये अनवार कॉर्पोरेशन के मालिक मोहम्मद अनवार साहब हैं, जो तशरीफ अपने दफ्तर में रख रहे हैं, जो कैमरे में नहीं आना चाहते। ऐसी कोई बात नहीं है, बहरहाल ये सारा इंतजाम जो है उनकी तरफ से होता है। आज तमाम 2000 आदमियों के लिए खाने का एहतमाम जो है वो उनकी तरफ से, 2000 आदमी खाने का इंतजाम है जो उनकी तरफ से किया जा रहा है, माशाल्लाह। अच्छा, बच्चियों को जहेज में भी कुछ दिया जाता है? बच्चियों को जहेज में कम से कम 1 लाख रुपए का सामान फी कस दिया जाता है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे, वहाँ लगा हुआ है, डिस्प्ले में है इस वक्त। हमारे पास 92 शादियाँ हैं और फी शादी 1 लाख रुपए का सामान कम से कम सामान दिया जाता है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ईदी ऑफ मुरीद के क्यों कहा जाता है? ये दोस्तों की मेहरबानी है, जैसे मर्जी कार कर लें। मैं तो खादम हूँ, और मैंने अपना यानी मैं अपना यानी कोई काम को इतना ज्यादा अलम नशरा करने का नहीं अपना करना चाहता होता। ये इनकी मर्जी है, ये मेहरबानी करते हैं, जैसे भी कॉल कर लें, मोस्ट वेलकम। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मालिक कायनात आप तौफीकात में और आमीन आमीन, 9200 करें फिर 92000, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, अब हम आगे की तरफ चलेंगे जहाँ पर हम थोड़ा सा आपको जहेज का दिखाएंगे, एग्जैक्टली जहेज में कौन कौन सी चीज़ें दी जा रही हैं, फिर कुछ हम तमाम 92 तो शादियां आपको नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन जितनी मैक्सिमम शादियां दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे हम आपको। आप खुद फैसला कीजिए। हम में से अक्सर लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए जी रहे हैं। एक बहुत बड़ा मंजर है अगर हमने रिकॉर्ड किया है, वो मंजर ये है कि यहाँ से नंबर्स लगी हुई, मेरे पास मोबाइल के अंदर, मैंने अपने मोबाइल के अंदर भी रिकॉर्ड किया है वो, और यहाँ पर से नंबर लगी हुई गाड़ियाँ जो हैं, वैन जो हैं, ट्रक्स हैं, वो आ रहे हैं, उन पर नंबर लिखे हुए 59 नंबर मैंने देखा है आते हुए। दैट मीन्स ये 59वीं बारात है जो आई है। अच्छा, उस वैन के अंदर दूल्हा भी होता है, दुल्हन भी होती है, दो पैगाम है जो यहाँ से जा रहे हैं। एक तो ये कि सिर्फ जीना अपने लिए नहीं है, और दूसरा जो उससे बड़ा पैगाम जा रहा है वो ये जा रहा है कि देखें शादी सादगी से भी मनाई जा सकती है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके कुछ नहीं लगते, तो खुशी सबकी सांझी होती है। कोई भी नहीं कुछ हमारा लगता, कोई भी हमारा कुछ नहीं लगता, ये सब जो है वो हजूर की उम्मत के हवाले से उनको सिलेक्ट किया गया है। वाह वाह वाह। अच्छा जनाब, अब आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आज शाह साहब भी मेरे साथ हैं, इनके बाकी लोग भी मेरे साथ हैं, आपको दुल्हने भी हम दिखाएंगे, मिलवाएंगे भी, कहानियों से भी मिलवाएंगे, जहेज भी दिखाएंगे, रस्में भी करवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मुझे यहाँ गर्म गर्म सूप मिला है, अल्लाह जानता है जिसने भी वो सूप बनाया उसके जाके हाथ चूमे, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में सूप बहुत नेमत लगता है। बहुत बहुत वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग एक वॉक लेने जा रहे हैं, आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, मिलिए मुझसे आके, ब्रेक के बाद मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। कम सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, हम हो या खुशी हो, कहना है कह दो, दिल की हर बात
सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह तो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। दूल्हा बन गया ओए बन गया सांडा पर खुरदार घोड़ी चढ़ गया ओए चढ़ गया छटके मोटर कार से। अच्छा जी अच्छा जी आपने ये रस्म देखी जहाँ पर हम दूल्हा के सेहरे पे पैसे रख रहे थे और लोग ले रहे थे, मलकू ने मेरे चेहरे पे पैसे रखे, मेरे सर पे पैसे रखे, मैंने मलकू के सर पे पैसे रखे। बट एनीवे इनसे बात करते हैं, जरा सलाम अलैकुम। क्या नाम है बेटा आपका? काशिफ अली। काशिफ अली, क्या उम्र है आपकी? 26 साल। आपकी शादी हो रही है? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या करते हैं आप? मैं एंग्रो में जॉब करता हूं। अच्छा, जॉब करते हैं। और आपकी दुल्हन कहाँ? ओ वाह, ओके, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मुझे जानती हैं? अच्छा हाँ जी, चलें चलें, गुड थिंग, समझ जी जानती। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी शादी हो रही है, कैसा लग, कैसा रहा? अभी आप तैयार होंगी, जाएंगी आप? बिल्कुल, बल्कि तैयार होके आई हैं, अभी होना है इनको। अच्छा कैसा लग रहा है आपको? एक दूसरी बारात भी आ गई है यहाँ पे, एक दूसरे दूल्हा, आप लोग साथ साथ हो जाएं, जो आप इनकी दुल्हन है और इनकी दुल्हन ये है पीछे। अच्छा जी आप सामने आ जाइए। ये मंजर जो है ये सारा दिन इसी तरह से चलता रहता है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वकास। और आपका नाम क्या बहन? क्या नाम है? सबा। और क्या करते हैं आप वकास? मुलाजमत कर रहे हैं। अच्छा जी अच्छा, आइए आइए आइए, गाड़ियाँ मुसलसल आ रही हैं और बैंड के साथ साथ चल रहा है। और ये आइए सर, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। Look at this, 77वीं फुटेज है, 77वीं गाड़ी है जो सताई है। बल्कि भाई इधर आइए, 77वीं गाड़ी है, 77। अच्छा क्या नाम है आपका? अमान। अमान, अमान क्या करते हैं आप? काम चावलों का। चावलों का काम करते हैं अमान। आपका नाम क्या है बहन? इनका नाम क्या है? सिद्रा। और एक सिद्रा और अमान की, सिद्रा और अमान की शादी है। बिस्मिल्ला, आइए जी आइए आइए, बिस्मिल्ला। वेरी नाइस। एक और गाड़ी है जो अब आ रही है। ये पूरा दिन सिलसिला चलता रहता है इसी तरह से, इसी तरह से यहाँ लोग खड़े होते हैं, इसी तरह से ग्रीट करते हैं और पूरा दिन ये सिलसिला चलता रहता है। वी फील लाइक कि हम भी ग्रीट कर रहे हैं। अभी एक और बारात है जो यहाँ से उतर रही है। दूल्हा फ्रंट में बैठा हुआ होता है, दूल्हा फ्रंट से उतर के यहाँ पर आता है। यहाँ पर भी जो इनकी इंतजामिया है, टोटल 20 लोग होते हैं, 10 दूल्हा की तरफ से और 10 दुल्हन की तरफ से। अच्छा ये बड़ी बात है, इकोनॉमिकल शादी होती है, 20 लोग होते हैं, 10 दूल्हा की तरफ से और 10 दुल्हन की तरफ से। आइए आइए बहन, आपका नाम क्या है? सोनिया। सोनिया की शादी हो रही है और आप, सॉरी अमान नाम है ना आपका? अमान नदीम, नदीम सॉरी, सोनिया और नदीम की शादी है। 10 बाराती सोनिया की तरफ से हैं और 10 बाराती नदीम की तरफ से हैं। बिस्मिल्लाह जी आइए प्लीज आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ पर ये एक कोडन ऑफ कर दिया है एक एरिया को, और यहाँ पर LM ब्यूटी सलोन लाहौर जो है वो उसकी सुल्ताना में इस वक्त मेरे पास मौजूद है। और ये दुल्हन जो है माशाल्लाह इतनी हसीन हसीन जो बेटियाँ बैठी हैं और खूबसूरत सी खवातीन बैठी हैं, ये दुल्हन है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हम लोग यहाँ पर आए और आप लोगों को इस वक्त हम देख रहे हैं। कितनी दुल्हन तैयार करती हैं आप एक दिन में? एक दिन में जब हम आ रहे हैं यहाँ पे तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, काफ़ी सालों से मैं भी आ रही हूँ, तो मोस्टली जितनी भी 63 होते थे पहले तो हम लोग 30 के राउंड अबाउट कर लेते थे, और अब हम लोग के 92 मतलब किसी राउंड अबाउट अप होता जा रहा है, तो अब हम लोगों का जितना अप्रोक्सीमेटली हो जाता है हम लोग कवर करते हैं और पूरी ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम तैयार करें ताकि कोई इस चीज़ से महरूम ना रह सके। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जब खवातीन आती हैं तो नॉर्मली कपड़े लेके आती हैं या आप लोग उनको देते हैं? नहीं नॉर्मली वो कपड़े लेके आती हैं, अपनी ज्वेलरी इतनी तो सेंसिबल हैं आजकल
आजकल माशाल्लाह जनरेशन जो जा रही है, कपड़े भी होते हैं, ज्वेलरी भी होती है, बस मेकओवर हमें उन्हें करना होता है और लाइक स्टाइल वगैरह। तो आपको कभी आके बताती हैं कि ये स्टाइलिंग दे दें, ये स्टाइलिंग दे दें? हाँ माशाल्लाह बड़ी एक्टिव होती हैं, हमें बताती हैं, इन्फॉर्म करती हैं कि आप हमारे ये कर दें, नेल्स लगा दें, हमें ये वाला पेंट चाहिए, कलर लगाएं ईटीसी। ऑलराइट, मैं बात कर सकता हूँ इनमें से किसी से? अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाओ ना, तुम क्या मेहमान हो क्या? पीछे आके खड़े हो जाओ। मलकूद इज द ओनली गाय जो बहुत मेहमानों की तरह घूम रहा है, इंतजार में है कि कहीं इसकी भी शादी करवा सके हम आज। आप लोगों में से इत्तला है मलकू, अगर आपको आसपास काजी के पास घूमता हुआ नजर आए, बिल्कुल मलकू को पे कोई तवज्जो नहीं देनी है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? लुबना। लुबना, आपकी शादी हो रही है जी? माशाल्लाह, बहुत सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो। आप खुद क्या करती हैं? घर के काम, सिलाई वगैरह करती हूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं करता बिल्कुल घर का कोई काम नहीं करता मैं, मुझे सिलाई बिल्कुल नहीं आती। अच्छा मुझे बताएं आपके हस्बैंड क्या करते हैं? होने वाले वो पेंट कोट वगैरह बनाता है। पेंट दर्जी हैं जी? माशाल्लाह मास्टर मास्टर हैं जी। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी मर्जी से हो रही है शादी? जी शादी मर्जी से हो रही है जी। अच्छा तो क्या सोचा है जिंदगी में क्या करेंगी आप? अपने हस्बैंड से कोई बात की फ्यूचर के बारे में? उनको इससे पहले शादी से पहले जानते हैं? नहीं शादी पहले बिल्कुल नहीं, नहीं। तो मुलाकात कैसे हुई? अब्बू अम्मी ने मुलाकात करा। अच्छा जहेज भी आपको पता है आज आपको मिल रहा है जी? ओके, तो बाहर कहीं जाने का प्लान है शादी के फौरन बाद? हस्बैंड को लेके कहीं जाएंगे घूमने के लिए? कहाँ? मरी जाएंगे, बहुत ठंड है वहाँ पे। तो क्या हो गया यार, ठंड है तो क्या हो गया, मरी जाएंगी जी? इससे पहले मरी गई नहीं? अच्छा कभी सोचा है कि शादी के बाद की जिंदगी कैसी होगी? शादी से पहले की जिंदगी अलग होती है। खाना वाना बना लेती हैं आप? जी सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? जी सबसे अच्छा बिरयानी बनाते हैं। हस्बैंड से लड़ेंगी आप या नहीं लड़ेंगी? नहीं, ये सब ऐसे ही कहते हैं, बाद में लड़ते हैं, बहुत बाद में लड़ते हैं, शुरू में तो ऐसे ही बोल रहे थे। आपकी अम्मी अब्बा में लड़ाई होती है जी? तो आपकी अम्मी अब्बा लड़ाई होती तो आपकी लड़ेगी? एक बार भी हस्बैंड से बात नहीं हुई अब तक? नहीं। स्टोरी नहीं देखा भी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं आप देखा है? अब देखा है जी। कैसे लगे जब देखा तो? बहुत अच्छे जी। सबसे अच्छा दुनिया में जी है ना? आई नो। अच्छा एक बार बताइए, ये कैसे पॉसिबल है कि आपने उनको देखा भी नहीं, आपने उनको जाना भी नहीं, फिर भी हमारा फर्ज है कि माँ बाप शादी के कर दें तो उसे ही आमीन कहते हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि शादी में जो हम लोग कहते हैं ना, वो हमारे यहाँ जो लेट नाइट पैकेजेस आम है कि जी हम बात करते रहते हैं, मुसलसल बात करते हैं, हेलो हाय होती है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं हुई, कोई SMS नहीं हुआ, कोई WhatsApp नहीं हुआ, कोई तस्वीरें एक्सचेंज नहीं हुई, कोई नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ। सिंपली माँ बाप ने कहा कि यहाँ शादी करनी है और बस शादी हो गई जी। और अब वी विश यू द वेरी बेस्ट, अल्लाह ताला आपको बहुत मुबारक, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा हमेशा खुश रखे। शाह साहब बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम है जी। दो चार बातें मुझसे भी जी, होते जी, हैं। प्लीज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, जिला काउंसलर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर। मैं तो यहाँ पे दो बार जिला असम्बली मेंबर रह चुकी हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि आप बस शाह साहब के साथ मैं ये छोटे से फंक्शन से मेंबर आ रही थी और अब इंशाल्लाह अपनी जिंदगी तक, और जिसका पहले आपने इंटरव्यू लिया मेरी बेटी है माशाल्लाह से, अभी वो 5वां इस फंक्शन अटेंड कर रही है, इसमें ब्राइडल तैयार कर रही हैं और ये फ्री कॉस्ट हम लोग करते हैं और बड़ी खुशी से हम लोग करते हैं। नहीं लेते? जी नहीं, हम ये हम मेंबर हैं इसमें और हमें खुशी होती है। अब तो माशाल्लाह पहले तो हमें दुल्हनें ढूंढनी पड़ती थी कि लोग शादियाँ करवाएं, और अब इतना होता है कि अगर 63 लड़कियों की शादियाँ हो रही हैं तो कम अज़ कम डबल कॉस्ट में बची होती थी जो चाहते हैं कि हमारी हो जाए। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अनम। अनम जी। अनम आज आपकी शादी है जी? आपने हस्बैंड को देखा है जी? जानती हैं आप उनको जी? पहले भी जानती थी जी। क्या नाम, क्या उनका? नईम। नईम नाम है जी। तो बात कभी हुई टेलीफोन पे नईम से? नहीं कभी बात नहीं हुई। नहीं कब, आज पहली मरतबा आप नईम से बात करेंगी जी? सच बोल रही है जी? 100% पक्की बात है? पक्की 100% सच है जी। मैं अपनी जिंदगी का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि इन्होंने कभी नईम से बात नहीं की, आज पहली मरतबा नईम से बात करने जा रही हैं। अच्छा ये बताइए, नईम को पसंद किसने किया था? पेरेंट्स ने जी? आपके वालिद ने, वालिदा ने? दोनों ने पसंद किया था। नईम क्या करते हैं जी? वो जॉब करते हैं। कहाँ जॉब करते हैं? लाहौर। लाहौर में, तो आप भी लाहौर शिफ्ट हो जाएंगी जी? ओके ओके, उसके बाद आप घूमने, मैंने इनसे पूछा था तो ये कह लेंगे ये मरी जा रही हैं, आप कहीं घूमने जाएंगी? नहीं हम मिलकर डिसाइड करेंगे। आप मिलकर डिसाइड करेंगे जी? ऑलराइट बेटा, आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आपका नसीब बहुत अच्छा करे। जिन लोगों से मैं बात कर पा रहा हूँ वो बहुत अच्छे हैं, जिनसे नहीं बात कर पा रहा मुझे कम से कम अपने हस्बैंड का नाम तो बता दें और अपना नाम, क्या नाम है आपका? माजबीन। माजबीन, और आपके हस्बैंड का नाम? इमरान। इमरान क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं।
फैक्ट्री में काम करते हैं जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो। आपका नाम? सोनिया। सोनिया जी। आपके हस्बैंड का नाम नदीम तो नहीं है? नवीद है। नवीद है? यस। अच्छा, एक और सोनिया थी जिनके हस्बैंड का नाम नदीम था, पीछे थी। अच्छा, तो आपकी भी पसंद की शादी है माँ बाप ने? माँ बाप की पसंद की शादी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बेटा आपको भी बहुत मुबारक, बहुत मुबारक करे। अच्छा जनाब, हम यहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर दुल्हन तैयार हो रही हैं। अभी मैंने आपको जहेज़ का सामान दिखाना है, अभी बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जहेज़ का सामान अब से थोड़ी देर के बाद हम आपको ज़रूर रिवील करेंगे कि यहाँ पर जहेज़ दिया क्या जाता है। हम जिस वक्त टेंट की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी दुल्हन और दूल्हा मौजूद है। जी हाँ, 42 वहाँ मौजूद हैं। 42 जो दूल्हा दुल्हन है वो वहाँ पर मौजूद है। उन 42 दूल्हा दुल्हन की स्टोरीज जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मलबी कैसा लग रहा है? पूरा एक शहर लग रहा है मुझे, जो शाह साहब ने आबाद किया, और बहुत सी फैमिलीज, बहुत से लोग और पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं शादी। अच्छा, ये शादियां सिर्फ लाहौर की नहीं होती? नहीं जी, ये जहाँ से मर्जी हो, हमें कोई इसका इतराज नहीं है। लाहौर से है, दीपालपुर से है, मुल्तान से है, पेशावर से है, फैसलाबाद से है, चकवाल से है, चकवाल से आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग दूसरी जगह से भी आते हैं, कराची, हैदराबाद? जी जी, जैसा से कोई मर्जी आ जाए। अच्छा, हमारे तरफ से कोई पाबंदी नहीं। अच्छा, और आने का क्राइटेरिया क्या होता है? आने का क्राइटेरिया ये है, बहुत फूल प्रूफ सिस्टम रखा हुआ है। हम जब शुरू करने लगते हैं प्रोग्राम को, साल जब शुरू करने लगते हैं ना कि अब हमने प्रोग्राम करना है, तो हम एस्टीमेट कर लेते हैं कि इस दफ़ा 1 लाख रुपए खर्चाना है। तो हम अपने तमाम दोस्तों को कहते हैं सब 1-1 लाख रुपए भेजो, और अपने ही महल्ले से, अपने इलाके से, अपने शहर से बच्ची भी खुद ही नॉमिनेट करो। सो द मैन हु डोनेट्स समथिंग, डोनर, ही इज द सिलेक्टर। ऑलराइट जी, दे वांट टू मेक श्योर कि जो डोनेशन दी गई है वो सही जगह पहुंच रही है। मैं इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता उस जगह जा रहा हूं जिस जगह 42 बारातें ऑलरेडी बैठी हुई हैं। उन 42 बारातों से हम डेफिनेटली बात करेंगे, सबसे मैं आपकी बात नहीं करवा सकूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो मैं जानना चाहूंगा, सुकून से पता करना चाहूंगा मैं। कोई बात नहीं, अगर ऊपर नीचे हो रहा कैमरा चौके, मैं जानना चाहूंगा कि उनकी स्टोरी दरअसल है क्या, क्यों उनको ज़रूरत पेश आई यहाँ पे आने की, और ये शादी जो हो रही है ये किस तरह से अंजाम पा रही है। मुझे लग रहा है कि शादी बहुत बड़ी शादी है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास 92 शादियां हैं, और उन 92 शादियों में आप बजाते खुद शरीक हैं। अगर आपकी अपनी शादी है तो आप 91 और शादियों में शरीक हैं, बाराती हैं, लोग हैं, जहेज़ है, ये मुख्तलिफ टेंट्स हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी शादियां हैं। माई गॉड, इट्स अनबिलीवेबल। यहाँ पर टेंट्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ, और टेंट्स के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये लोग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? इनसे बात कर लूँ मैं? आ जाऊँ अंदर? आ सकता हूँ? आ जाएँ जी, आ जाएँ। रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब, दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शराफत अली जी। शराफत अली जी, शादी के बाद फौरन नाम बदल लिया, शरीफ हो गए? नहीं, नहीं। शादी के बाद तो बंदा शराफत हो ही जाता है। आपकी बेगम का नाम क्या है? फिरदौस जी। फिरदौस जी। फिरदौस और शराफत अली की शादी हुई है। फिरदौस जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं समा टीवी पे आता हूँ। आप लोग हैं, सारी खवातीन ऐसे हंसती हैं। देखा, ये देखिए, क्या नाम है आपका? आसिया। आसिया, आपकी शादी हो गई? हाँ जी। ये आपके बेटे? हाँ जी। ओके, आपके हस्बैंड कहाँ है? वो नहीं आए। आप किन के हस्बैंड हैं? हाँ, मतलब अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, जब आप इनके वालिद हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप किन के वालिद हैं? ये शराफत अली के वालिद। शराफत क्या करते हैं? रक्षा चलाते हैं। और इनकी माँ कहाँ है? शराफत अली की अम्मी आप हैं? वो भी नहीं आई? नहीं आई। अच्छा, क्यों नहीं आई? तबीयत ठीक नहीं। शराफत अली की मदर जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप इनकी वालदा हैं? मैं बात कर सकता हूँ आपसे?
तुम कौन हो? इनकी छोटी साली। छोटी साली मतलब तुम इनकी छोटी बहन हो? हाँ जी। अच्छा ओके, इससे बात करता हूँ, बहुत ज्यादा हंस रही है। क्या नाम क्या तुम्हारा? फातिमा। फातिमा, फातिमा कैसी लग रही है शादी? बहुत अच्छी। आपकी बहन कितनी हसीन लग रही है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। और ये जो आपके जीजा जी हैं कैसे लग रहे हैं? बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। कैसे, आपने सोचा था कि आपकी बहन का हस्बैंड इतना गुड लुकिंग होगा? हाँ जी। हाँ जी ओके जी ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? सुगरा बीबी। सुगरा बीबी? हाँ जी। सुगरा बीबी, आप फिरदौस की अम्मी हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो आज जब फिरदौस रुखसत हो जाएंगी तब भी अच्छा लगेगा? हाँ जी, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी। आपको पता है आज आपको जहेज भी मिल रहा है? हाँ जी। आप हाँ जी के अलावा क्या कहती हैं? हाँ जी के अलावा कुछ बोलती? हाँ जी, हाँ जी, नहीं जी, हाँ जी। बोले यहाँ भी होता है इस बात की, आपको समय नहीं लग रही होगी ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे भी आपकी किसी बात की समझ नहीं लग रही। हाँ जी बिल्कुल। आज सबसे ज्यादा बोला जाने वाला लफ्ज भी यही है, आहो। आहो क्या उनका? आहो क्या? अच्छा जी, अब हाँ जी, बात यह है कि मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे। ये पहली कहानी है, पहली स्टोरी है, और स्टोरी बहुत सिंपल है। वालदा इनकी आ नहीं सकी, और शराफत अली की वालदा नहीं आ सकी, वालिद यहाँ मौजूद हैं, फिरदौस के वालिद वालदा दोनों यहाँ मौजूद हैं। शराफत अली जो हैं वो रक्षा चलाते हैं, नई ज़िंदगी को शुरू कर रहे हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था, किसी ने, ये शादी का शो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी शादियाँ की हैं जिनमें बजट थे करोड़ों रुपए के। लेकिन मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं, इस शादी में बहुत बड़ा सुकून है, और सबसे बड़ी बात ये अजीब किस्म की जाज़बियत है। ऐसी शादी मैंने कभी नहीं देखी, और ऐसी शादियाँ मैंने कभी नहीं देखी जहाँ पे इतनी तादाद के अंदर इतने बहुत सारे लोग एक ही ने एक काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी माँ का दिल रखें और उसको ये बताएं कि तुमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी की शादी की जिम्मेदारी हमारी है। आज जो सुबह नाश्ते का शो है, ये भी मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन शो है। रीज़न, क्योंकि मैं इसने काम में बराबर का शरीक हूँ। जब हम वापस आएंगे तो किसी एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवानी है, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक ब्रेक, आप ब्रेक लीजिए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो, दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। आपका ना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यू शर्माना, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एंड जी, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त हमने दो टीम्स पिक कर ली हैं, दो शादियां हमने पिक की हैं। ये मेरी टीम है और ये मलकू की टीम है, ये इनकी टीम है। तो पहले इनसे बात कर लें कि इनका नाम क्या, आपका नाम क्या है? जिशान है। जिशान, जिशान हैदर। और आपका नाम क्या बेटा? जीना। जीना? हाँ जी। जीना और जिशान की शादी है। और जिशान क्या करते हैं आप? मेहनत करते हैं। क्या क्या मेहनत करते हैं बेटा? सैलर दिन। क्या करते हैं? सैलर दिन। सैलर थे? वो सैलर पे काम करते हैं जहाँ पे चावल निकलते हैं। ओके ओके ओके। और आप क्या करती हैं बेटा? आप कुछ करती हैं? पढ़ती हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। खाना वाना बनाना आता है? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? बिरयानी बनाती हैं। तुमको बिरयानी पसंद है? अच्छा, अगर लड़ाई होगी तो दोनों में तुम मनाओगे? पक्का? पक्का। हाँ, कोई वैसे एक बात बताऊँ, तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, मनाना पड़ेगा, इनको तजर्बा है काफी। अच्छा, गाना गाते हो तुम? कभी इनके लिए गाया? नहीं, किसे लिए? किसी के लिए भी नहीं गाया, कोई गाना भी नहीं आता। आपने कभी इनको इससे पहले देखा था? नहीं नहीं, कभी नहीं देखा। ओके, नहीं देखा, नहीं देखा। अच्छा अच्छा, निशान एक मुकाबला है,
दूध पीने का। आप दोनों ने आधा 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 ग्लास ख़त्म करना है। टाइम हमारे पास, मैं खुद काउंट करूंगा, ठीक है? अब मैं आपको मिलवा रहा हूँ अपनी टीम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान साहब क्या करते हैं? जी काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मेहनत है, रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं जी। अच्छा, और आपकी दुल्हन का नाम क्या है? बीनेश। आपका नाम बीनेश है जी। अच्छा बीनेश, आपको खाना बनाना आता है जी? आपको क्या लगता है आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? चावल। मतलब आप भी बिरयानी सबसे अच्छी बनाती हैं जी। अच्छा, और अगर लड़ाई होगी तो आप इनको मनाएंगी जी? तुम लड़ोगे इनसे? नहीं। पक्का जी? नहीं लड़ोगे? नहीं। पक्का? पक्का। शादी के बाद कहीं जाओगे? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाओगे? कहीं नहीं जा रहे शादी के बाद ये। अच्छा, सामने एक ग्लास है दूध का जी। पहले ये मलकू की टीम पिएगी, फिर उसके बाद मेरी टीम पिएगी। पहले जिशान साहब और फिर इसके बाद हबीबुर रहमान साहब पिएंगे। हबीबुर रहमान नाम है ना तुम्हारा जी? ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा जी, अब आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। मलकू साहब ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये दूध है। हाँ जी, स्टॉपर चलाइए, स्टॉपर चलाइए जल्द। और जिसने भी सबसे पहले ख़त्म कर लिया, ठीक है? अब आप दोनों में से आधा आधा पीना है, दोनों में से जो भी ज़्यादा पी ले। पहले मैं आपको दे रहा हूँ, ये रसम है जी, दूध पिलाएगी। एक दो तीन कहूँ तो शुरू कर जाना। 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5
आप यार ये टोटल पांच सेकंड सुशांत के लिए बहुत सारी तालियां। आपके हस्बैंड तो बहुत खाते हैं भाई, ये तो बहुत खाते पीते आदमी है। हाँ, आप जल्दी खाना बना लेती हैं? हाँ जी। ये वाहिद है, पहली मर्तबा है और आखिरी दिन है जब तुम हाजी सुन रहे हो। इसके बाद हमेशा तुम इनसे सुनोगे नाजी नाजी, बिल्कुल नाजी। अच्छा जी दोस्त, हिम्मत करना, बल्कि पकड़ो, हिम्मत करना, तुमने जीतना है। पांच सेकंड आइए जी। हाँ जी, पांच सेकंड जी। एक मिनट, एक दो तीन, और आज तक गिनना, मेरी टीम ही है, आज तक गिनेंगे हम लोग। एक दो तीन, गो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। नहीं नहीं यार, हम लोगों ने तेज गिना है। नहीं नहीं, सो नहीं गिना, तेज गिना। मलकू साहब की टीम। एक मिनट ठहर जाइए, मैं पूछता हूँ आपको, क्या लगता है कौन जीता है? मालूम नहीं है जी, मालूम नहीं। चलो भाई, तुम्हें तो मुबारक हो, इंशाल्लाह तुम्हारे साथ जो कुछ होने वाला है उसका हमें एहसास है। बेगम ने पहली बार, मुझे नहीं मालूम कौन जीता, जो भी जीता बस जीता होगा। इनसे पूछो कौन जीता। हम जीते। नहीं, इन्होंने बहुत प्यार से कहा हम जीते। और कौन जीता? हम जीते हैं जी, हमारे अलावा। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि आप दोनों जीते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली इनके लिए हमने थोड़ा सा ज्यादा काउंट कर दिया था और जल्दी काउंट किया था। दोनों के लिए बहुत सारी तालियां और इन दोनों को बहुत सारी सिंगार। गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, बाल बाल मोती चमकाए रोम रोम मैका। अच्छा जी, मैं हूँ यहाँ पर मोहम्मद नियाज अत्तारी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इनको देख के लगता है कि बहुत हैंडसम से आदमी है, बहुत यू नो अंदर की बड़ी लुक है इनकी, और हाथों पे मेहंदी शेंदी लगाई हुई है। ये देखिए आपने, और ये खून से रंगे हुए हाथ नहीं है, ये मेहंदी से रंगे हुए हाथ हैं। आपने देखा होगा ख्वातीन को मेहंदी लगाते हुए, ये इतने खुशी में पागल हो गए कि मेहंदी लगा ली हाथों में। पंजाब में लगाते हैं। पंजाब में लगाते हैं। अच्छा मोहन साहब, क्या करते हैं आप? मैं स्टाइल में जॉब करता हूँ। अच्छा, और कोई शायरी वायरी गाना वगैरह? हाँ, करते हैं, शायरी करता हूं, मुझे पहले पता था, नियाज अत्तारी दूर से नजर आ रहे थे मुझे, क्या शायरी करते हैं जी? बेगम, आपकी बेगम का नाम शाजिया है जी, कैसी लगती है शाजिया आपको? चांद। चांद लगती है शाजिया। शाजिया के लिए कोई शेर कहे ना। तेरे हुसन की तारीफ में कुछ लिखना चाहा। हाँ, तेरे हुसन की तारीफ में कुछ लिखना चाहा, तेरे काबिल कोई लफ्ज ना लगा, कम वक्त इरादा ही बदल दिया। बेटा ये सब शादी से पहले के शेर हैं भाईजान, शादी के बाद जो शेर होते हैं ना, बड़े अजीब होते हैं जी। जी आप, तेरी तारीफ में कुछ लिखना चाहा,
जी। फिर सोचा क्या लिखूं, जो लिखूंगा तू पढ़ नहीं पाएगी। अच्छा कभी कभी गाना गाया आज? अगर गाना गाना हो तो क्या, कौन सा सुनाएंगे बेगम के लिए? कोई भी नहीं, अभी नहीं। कोई भी नहीं। बेटे आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं खाने में? कड़ी। कड़ी बनाती हैं? फाइनली माय फेवरेट, मुझे कड़ी बहुत पसंद है। तो आप लोग कभी मुझे ज़रूर अपने घर पर बुलाइएगा प्लीज। तुमने इससे पहले शाजिया को नहीं देखा था? इससे पहले यानी कि जब निकाह हुआ था तब देखा। वो तो तब तो देखा था, लेकिन इससे पहले तो, उससे पहले तो नहीं देखा। निकाह के बाद फ़ोन पर बात होती थी? हाँ होती थी। हाँ कितनी देर? काफी देर, तकरीबन दो घंटे। दो घंटे पैकेज लगा, क्या पैकेज लगा के? देखो पैकेज लगा के बात सचार आदमी बिल्कुल ऊपर ही उबल रही है, खाना जल रहा है। इनका सिर्फ मोबाइल पे काम था और कोई काम नहीं है। इनका रिश्ता मैंने करवाया। ओहो मुबारक हो। असल में ये काम आपने किया है? ये पहली दफा देखा है। वो मेरी पांच जी है, ठीक है, वो रिश्तेदारों को मैंने करवाया, इसका भी उसका भी। जिस दिन उम्रे जाना था उसी दिन करवाया। आज मैं तुमको मौका दे रहा हूँ, आज तुम इमेजिन करो, आज तुमसे एक्टिंग करवानी है मैंने। अच्छा मैं तुम्हें ये अंगूठी दे रहा हूँ, अब ये तुम्हारे पास ही रहेगी और तुमने ये अंगूठी अपनी बेगम को पहनानी है अभी, ठीक है, और साथ में उससे इजहार मोहब्बत करना है जो तुम फोन पे करते थे। हाँ जी। जो तुम फोन पे करते थे, जो फोन पे दो दो घंटे के पैकेजेस पे कहा जाता था तुमसे। हाँ बस अब वो तो घर वालों के बारे में पूछा जाता था। घर वालों के बारे में क्या पूछा जाता था? नहीं नहीं अभी अभी, अभी तुमको कर सकते हैं ये? इजाजत है? इजाजत है? इजाजत है? इजाजत है? हाँ जी लाल। आपकी इजाजत है बहन जी? इजाजत है? हाँ जी इजाजत है जी, इजाजत है। चलो भाई शुरू हो जाओ। अरे घुटने पे नीचे जाओ, घुटने पे बैठो। ऐसा क्या, ऐसा क्या है? ये समझदार बच्चा फौरन समझ गया। अच्छा जी, अच्छा ठहर जाए, आपने पहले इजहारे मोहब्बत करना है फिर उसके बाद आपने पहनाना है, ठीक है? ऐसे नहीं, वो भी आ सकता है। और बहुत मतलब ऐसे जैसे यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ। आप अकेले ही? आप अकेले ही और ये भी अकेली हैं मेरी जान। तो और क्या यार है? बोलने दे। हाँ, बोले बोले जैसे आप करते। मेरी जान रे दिल के बोल दे बेटा। आई लव यू। नहीं नहीं एक मिनट, इतनी जल्दी है? इतनी जल्दी? मेरी जान मेरे दिल के आई लव यू नहीं, क्या बोलना था? दिल के टोटे। आए टोटे, पूरा बोलो, पूरा बोलो, प्यार से बोलो और थोड़े से दो चार जुमले और बोलो। मेरी आंखों की रात, मेरी रात का सुकून, मेरे यार नहीं लफ्ज मिलते जो आते हैं। अच्छा क्या कहना चाहते हो, क्या आज बोलो? दिल से जो कहना, दिल से जो कहना चाहते हो बस वो बोलो। बस खुदा ने जो ढूंढ के दिया है वो चांद ही ढूंढ के दिए। वाह 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 जी वाह जी। ये चांद भी हर किसी को नसीब नहीं होता। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। तो बेटा शादी के बाद ऐसा ना हो कि तुम दूसरा चांद तलाश करने निकल जाओ। वो इंशाल्लाह इसके पास ही है, मैं हूं ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी आदमी की ख्वाहिश होती है ना कि एक चांद है तो दूसरा भी होना चाहिए। नहीं तारे वो होते हैं, तारे हम ले आएंगे। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। और वाकई आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। ये अंगूठी उतारनी नहीं है बेटा, ठीक है? बहुत प्यारे लग रहे हैं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ। माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह बेटी, बहुत 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 अल्लाह ताला आप दोनों की जोड़ी को मुबारक। और तुम दोनों वाकई ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के लिए बने। मैं आपको इस प्रोग्राम के एंड में वो बात बताऊंगा जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हमारे मुल्क में जहेज की वजह से बहुत सारी दुल्हनें बैठे रह जाती हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी और बताऊंगा अभी कि मेरे यहाँ आने का मकसद क्या है। और फिर बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में एक बहुत हैरत अंगेज बात जो आपको पता चल रही है। छोटा सा ब्रेक, आप फौरन आ जाइए चाय वाय पी के, मैं भी आपसे मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो, दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो, दिल की
आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है। कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त लग रहा है और सब माहौल देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मलकू कैसे लग रहे हैं आपको? मलकू हमेशा अच्छा लग रहा है। वो हमेशा ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ नहीं बहुत, लेकिन अब ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी, फिर हम लोग सुबह से निकले हुए अब पहुँचे। ऐसा नेक काम है जिसका जब सिर्फ अल्लाह दे सके। बिल्कुल ये तो है हकीकत। मेले का समय है जैसे यार, दिस इज अ शादी फेस्टिवल, ऑनेस्टली फेस्टिवल आप कह सकते हैं। वो बात है साहिर पे हमेशा जाता है, ये यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई काम कर रहे हैं, जिसमें ये अनवार कॉरपोरेशन जो है वो शामिल है, शाजी जो है वो शामिल है, ये वाकई ये लोग काम कर रहे हैं और ये इंतजामिया जो इनकी यहाँ पर, और ये मुसलसल मैंने अभी एक बात पूछी थी इनसे, मैंने कहा कि यार जब ये ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं? कहने बस अगले दिन से नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू हो जाती है। पहले ये लोग 62 शादियाँ करते थे, इस बार 63 शादियाँ करते थे, इस बार ये 92 शादियां कर रहे हैं। एक और मेरा एक मजे की बात जो मैंने फील किया पर्सनली, मैं गया 92 यहाँ पे खैमे लगे हुए हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ जोड़े बैठे हुए हैं और बहुत से वर्कर्स हैं जो मतलब आप कह रहे हैं कि वो साइलेंट पार्टनर जिसे कहते हैं, जिससे मैंने पूछा कि ये आप करवा रहे हैं? उसका जी नहीं, मैं एक अदरा सा वर्कर हूँ। तो उनके लिए बहुत सी दुआएं हैं, बहुत सी तालियां उन लोगों के लिए। सबसे बड़ी बात देखो ना, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि बच्चियों की शादी में या घर की तामीर में अल्लाह खुद ही मदद कर देता है, तो बच्चियों की शादी में आपको नजर नहीं कोई आ रहा कि किसने मदद की है किसने नहीं की, लेकिन माशाल्लाह से सारा कुछ अरेंज कोई पता नहीं है। तो ये सोच है ना, जो सोच सबसे बड़ी बात है। मैं बताऊं, इट्स अ शादी फेस्टिवल और ये एक ऐसा समय है जिसमें तमाम के तमाम लोग जो हैं वो शरीक हैं। आप लोग भी आए हैं, हम लोग भी आए हैं, ये भी आए हैं और यहाँ पर और हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं। अभी आप देखेंगे चल के अंदर टेंट्स लगे हुए हैं और टेंट्स के अंदर दुल्हनें बैठी हुई हैं और कुछ रस्में हैं जो आपके साथ करवानी है। बिल्कुल हम लोग रेडी। साहिर भाई होता यह है कि क्योंकि मेरा और मैं लाहौर होते हैं और मैं अक्सर देखता हूँ, ये मैं इनके मुंह पे नहीं कर रहा हूँ, मेरा हमेशा बढ़ चढ़ के ऐसे कामों में हिस्सा लेती हैं, इनके लिए बहुत सी दुआएं भी हैं। हम लोग जहाँ भी कहीं ऐसा कोई काम होता है कि जो जिस पे हमें फील होता है, वैसे तो आप भी जहाँ भी माशाल्लाह जहाँ अच्छा काम होता है आप ज़रूर मौजूद होते हैं और हमारा मीडिया ज़रूर मौजूद होता है, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अपने फ़न को और अपनी जो हमें अल्लाह ने सलाहियत दी है उसी से ही हम अपने मुल्क की खिदमत करें और लोगों को। हमने कुछ कहा है कि अगले साल हम भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, और मेरा भी हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मैं अब बातें काफ़ी हो गई हैं, हम लोग अंदर चल के बात करेंगे, हमारे को देख के लोग वैसे ही पागल हो जाएंगे। तो शादी का मंजर है, शादी में रस्में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ रस्में आपने देखी हैं, कुछ हम हमारे के साथ करना चाहते हैं। एक रस्म होती है जिसमें इतना बड़ा सा थाल होता है, उसके अंदर अंगूठी ढूंढनी होती है, देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर इस टेंट में मौजूद हूँ। इस टेंट का नंबर है 57 नंबर ये टेंट है और इस टेंट के अंदर जैसे कि आपको पता है 92 शादियाँ, तो हम 57 टेंट के अंदर मौजूद हैं और 57 नंबर टेंट में इमरान और आसिया की शादी हो रही है। इमरान को ज़रा माइक दीजिएगा। इमरान क्या करते हैं आप? सर जी जो काम कार करते हैं। की करते हैं सर जी? जो मजदूरी है लाभ जी करते हैं, जो कहता काम मिलता कर लेता हूँ, मजदूरी करते अभी मजदूरी करते मजदूरी काम नहीं करते। अच्छा आसिया से पूछे इनको खाना बनाना आता है? ऐसा माइक फोड़ो मैं पूछता हूँ ना तुम्हें, आपको खाना बनाना आता है आसिया? आता है। क्या बनाती है सबसे अच्छा? सबसे अच्छा की बनाते हो तुसी? की बनाते हो तुसी सारे नालों अच्छा? चावल 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 अच्छी हांडी पकाते हो? बहुत अच्छी हांडी। इमरान नु खुश रखोगे, अच्छे अच्छे खाने खिलाओगे? अच्छा इमरान तू खुश रखेगा, अच्छे अच्छे खाने पकाएगा ओदे लई? कोई तरलीप करदी रहेगी? पकाएगा जी। बंदे तो नहीं रोटी बनाते, बीवियां ही बनांदियां ने। ओनू कह के अहमद बना सकता तो मैं नहीं बना सकता। बंदे सिर्फ उल्लू बनाते ने। मजे की बात यह है कि मैं और मेरा, मुझे पता है कि हम लोग आर्टिस्ट है
और हमारे आंसू निकल आए थे, लेकिन हम वो उस के लिए नहीं कर रहे। जब हम इस बच्ची के हाथ में मैंने कुछ चीज़ें देखी तो नहीं, मैं दिखा देता हूँ, वो दिखाना ज़रूरी है, बिकॉज वो पता है बात मुझे, वो पोटली दीजिएगा जिसमें कपड़े हैं, कपड़े कपड़े चाहिए। ये मताए हयात है जो इस बच्ची की है। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग ये डिसाइड कर लें कि हमारी नेशन ने कहाँ जाना है। जहेज एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से लाखों बेटियाँ और लाखों बहनें, उनकी शादियाँ नहीं होती। आज इस प्रोग्राम का एंड ज़रूर देखिएगा, बिकॉज मैं आपको इसके एंड में एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपके वहमो गुमान में नहीं हो सकती। आज इस बेटी की शादी है और हम सब यहाँ मौजूद हैं। ये शायद प्रॉपर तरीके पर बोल भी नहीं पाती, प्रॉपर तरीके पर बोल नहीं पाती। इमरान इसके साथ मौजूद हैं। इमरान की वालदा से मैं बात करूंगा, इनसे पूछें इनके फादर की, इमरान के फादर की डेथ कब हुई थी। इमरान का प्यू कदर मोया सी, कितना अरसा हो गया। 10 साल हो गए ने, तरु वाले दिन फौत हुए, सब ईद वाले दिन, 10 साल हो गया। 10 साल हो गए उनको फौत हुए थे। तो किस तरह बच्चे ने पाले, किन्ने बच्चे आ। बच्चे 7 बच्चे ने, छोटे एक बच्चे की शादी हुई सी उन्होंने, होंदिया तो पिछले 3 बच्चे उन्होंने, तो पिछले मैं ब्याह। 7 बच्चे इनके और एक की शादी हुई थी जब वो फौत हुए, बाकी इन्होंने खुद पाले। किस तरह इन्होंने पाले बच्चे ने। पाले भी छोटे छोटे बच्चे कमा थे, जो बड़े सन जरा हाथ पाँव जोगे वो लगे सन। अच्छा, तो आप ही मेहनत मजदूरी करते सन, इतना बच्चों के नालों नाल मैंने करी गई भैन भरा साथ देते सन। अच्छा, वो कह रही कि बच्चे छोटे कामों पर लग गए, वो भी काम पर लग गई और इस तरह करके गुजारा चलता रहा। अब सवाल ये है कि हमारी स्टेट जो है वो कहाँ है, वो स्टेट जो बैतुल माल का कॉन्सेप्ट जिसे देना चाहिए, वो बैतुल माल कहाँ है। उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या हुआ, स्कूल्स नहीं गए, किताबें नहीं देखी, बस्ता नहीं देखा और अपने फ्यूचर को खैराबाद कह दिया। मैं यहाँ पर आपको सैड नहीं करना चाहता, एक रस्म होती है जिसमें अंगूठी तलाश करते हैं दूल्हा और दुल्हन, और कहते हैं कि जिसको अंगूठी मिल जाती है फ्यूचर में उसकी हुकुमरानी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्यूचर में किसकी हुकुमरानी होगी। वैसे मेरी तो है कि बिल्कुल आसिया की होनी चाहिए, मर्द की तो वैसे ही हुकुमरानी है। अच्छा। और जिन जिन की शादियां हुई है वो पहले ही हार मान जाए, मैं तो ये चाहूंगी। तुमने ढूंढनी है अंगूठी, ठीक है, मर्द की शोशा होती है। अच्छा जी, हुक्मरानी औरत की होती है। दूध है हमारे पास और इस दूध के अंदर अंगूठी छुपा दी गई है। आप लोग आंखें बंद करें, आंखें बंद करें जी, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके लपड़ी। अच्छा जी, एक आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद, हाथ दो अपना मुझे, ये वाला तुम मेरा, तुम हाथ पकड़ो इनका, एक हाथ एक हाथ एक हाथ, सीधा 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 हमारा सीधा, ये वाला। अच्छा जी, अभी अभी एक सेकंड, एक सेकंड, 1 2 3 चलो आराम से। क्लैप होनी चाहिए, सारे दी तालियां होनी चाहिए ना। बिल्कुल, आसिया जीत गई है, ये मेरे पास है। हाँ जी, और आई जी, अब ये अंगूठी आसिया की उंगली में पहनाई जाएगी, और ये पहनाएगा कौन, इमरान। इमरान पहनाएगा, इमरान भाई पहनाए आसिया की उंगली में, 1 2 3 आप लोग तालियां बजाएंगे, 1 2 3 गो। आसिया अपनी अंगूठी ऐसे दिखाएं, ऐसे दिखाएं, ऐसे 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 दिखाएं, ये आसिया की अंगूठी है और ये मुकाबला आसिया ने जीत लिया है। लेट्स सी कि क्या होता है। इमरान, कोई बात नहीं, हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। जी अस्सलाम वालेकुम सबको, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इन लोगों को इस वक्त 1 बज गया और 1 बजे सारे लोग जो हैं वो खाना खा रहे हैं, तो कैसा खाना है ये। अच्छा, आप दुल्हन की के दूल्हे की अम्मी हैं। दुल्हन की। अच्छा, आप दुल्हन की अम्मी हैं, तो दुल्हन कहाँ है। अच्छा, दुल्हन है, बैठिए, ठीक है। दुल्हन से अगर आप बात करना चाहें, हमारा बात कर सकते। हाँ बिल्कुल, मैं दुल्हन से बात करना चाहूँगी। ओ, दूल्हा भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप। ये दूल्हा है जी। कैसा लग रहा है आपको शादी, यहाँ पे इज्तिमाई शादी हो रही है, आपके तो रिश्तेदार आए हुए हैं लेकिन उसके अलावा भी इतनी ज्यादा दुनिया आई हुई है, तो कैसा लग रहा है आप। बहुत अच्छा।
अच्छा मैं दुल्हन से भी प्लीज पूछूंगी। हाँ 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 नाम तो पूछो। सॉरी आपका नाम नहीं पूछा, आपका नाम क्या है? शफाकत। अच्छा शफाकत, और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा माहौल है क्योंकि उनकी अपनी जो उनके कोई अजीज और कारब होंगे बहुत ही करीब के जो करीबी होंगे वही सारे यहाँ पे मौजूद है। हम भी बराती हैं, अहमद है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो आज कैमरे पे हूँ, मैं तो आज कैमरे पे हूँ, मैं तो कुछ और कर ही नहीं रहा, मैं तो कैमरे पे। 92 शादियाँ और इस तरह किधर तुम लोग को लेके जाना, दूसरी जगह लेके जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग ऐसे हाथ हिलाएं, सब लोग हाथ हिलाएं। थैंक यू थैंक यू। की नाम मेरे भरा दा? कासिम अली। ते साडी भैण दा की नाम है? ओए होए सुमैरा। और कासिम अली की यहाँ पे शादी है और हम लोग सारे यहाँ पे आए हैं और सबने खाना खा लिया। कोई और चीज चाहिए? आप खुश हैं आज? अल्लाह देखना बड़े खुश हैं। मुझे जानते आप? कौन हूँ मैं? आप टीवी पे आती हूँ। कौन? आपका नाम तो नहीं पता। मुझे तो जानते ही होगा ये, इसलिए मैं आप दोबारा पूछिए कि कौन है। दोबारा पूछिए, मैं तो बताता हूँ। जो मैं बोलूँ वो बोलना। अच्छा फिर बताएं कि मैं कौन हूँ। बोला अहमद भट्ट के दिल की धड़कन। बोले बोले अहमद भट्ट के दिल की धड़कन। और तुम्हारे दिल की धड़कन? ये जबरदस्त जबरदस्त जी। हम अपनी भाभी से भी बात करते हैं, थोड़ी सी बात करें इधर जरा। कैसी हैं आप? माशाल्लाह दुल्हन तो बहुत ही प्यारी हैं और बहुत जबरदस्त है। हाँ अहमद, हुमैरा, साहिर, मलकू भाई सब लोग आए हैं। तो कैसे हो आप? जानते हैं मेरा यार। अच्छा थैंक यू। हाँ हाँ अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा। ते तुसी दुल्हन दी अम्मी हो के? मैं तो मामा हूँ। अच्छा दुल्हन की मामा है। अच्छा जबरदस्त। अम्मी जान। हाँ अम्मी जान। और तुसी? दादा साहब। अच्छा माशाल्लाह। लड़के ना दादा? लड़के के दादा। अच्छा लड़के के दादा है। अच्छा इनका नाम ही बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। क्या ना? अच्छा माशाल्लाह। और गाना होना चाहिए एक वैसे। गाना गाओ भी तो। केड़ा गाना सुनना है? सुनो कौन सा गाना आप लोग सुनेंगे? हां बताएं। ओ शादी ता सजदी। हां बताएं जी। नो माड़ा है कौन सा वाला? माड़ा है ते माड़ा। चलो दूल्हे की फरमाइश है माड़ा है। माड़ा ते माड़ा यार जो है ओ कुछ भी होवे साडा प्यार जो है। क्यों ढोले दा क्यों कासिम दा दिल करा मैं ता लखवारी बिस्मिल्लाह कर असा ता जुड़ के यार बनाए शौकां दा कब्र केड़ा बैर जालिम लोकां दा ओ ढोला सोना फुला वाला हार जो है ओ कुछ भी होवे साडा प्यार जो है। क्यों ढोले दा क्यों साहर लो दीदा गिला करा मैं ता लखवारी बिस्मिल्लाह करा। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। अब साहिर भाई फरमाइश है कि मेरा गाना सुनाए। हां जी बिल्कुल। मैं गाना सुनाऊं? हां जी मेरा। अच्छा केड़ा तुसी? दुल्हन दी मामा दसन। मैं नहीं बोल दी मेरे दुल्हन दुल्हन को पूछने हो दुल्हन केड़ा? जो भी आप सुना दो। ओ मैं नहीं बोल दी ओ लोको मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार बोलदा। फरमाइश पे ले साहिर भाई सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग मेरा अर्शद सब सब 1 2 3 4 बोले मनाना लोको मेरी गल दा मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा। बुरा ना मराना लोको मेरी गल दा मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा। कोई गल कर चित कन वी ना तर मेनू हर वेले चेता रहंदा टोलदा। ओ मैं नहीं बोल दी ओ मैं नहीं बोल दी ओ मैं नहीं बोल दी ओ लोको मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार बोलदा। मैं नहीं बोल दी ओ लोको मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार बोलदा। वाह
बहुत सी तालियां आपके लिए, आप कुछ नहीं, बहुत सी दुआएं आपके लिए, बहुत ज्यादा और बहुत प्यारी दुल्हन है और तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, इसको खुश रखना, इसको कभी कोई दुख ना देना और खुद भी खुश रहना और तुम भी इसकी खिदमत करना, इसके माँ बाप को अपने माँ बाप बहन भाई समझना साहब को, और बहुत ज्यादा इनके साथ प्यार करना। चले जी, बहुत प्यार रखता है। हाँ बहुत ज्यादा, और दुल्हन की अम्मी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुश मिजाज और बड़ी अच्छी। बहुत सी दुआएं, दुल्हन की मामा कोई गाना सुना सकती है? चले जी, मामा गाना सुना। दुल्हन की मामा, दुल्हन की मामा, दुल्हन की मामा, दुल्हन की मामा जी, कोई नहीं, कोई नहीं, बहुत चंगे लग रहे हो, करो। हाँ जो भी बोल देती हूँ, मैं नहीं बोल दी, ओ मैं नहीं बोल दी, मैं नहीं बोल दी, तो मैं नहीं बोल दी, और मैं कसम खा के बोल नहीं, और मैं कसम खा के कह रहा हूँ, आप जितना बोलती है कोई भी नहीं बोलता होगा। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। इट्स वंडरफुल बीइंग हियर, छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सब लोग जरा हाथ ऐसे से कर लें, उठा लें सारे सारे, देयर यू गो। सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो, दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो, दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। मैं जहाँ जिस जगह खड़ा हूँ, मैंने आपको पूरे प्रोग्राम के थ्रू आउट बताया है कि मैं आपको दिखाने जाऊँगा वो जगह जिसकी वजह से अक्सर पाकिस्तान में शादियाँ नहीं हो पाती। हर शख्स शाह साहब नहीं होता, हर शख्स अनवार इस कंपनी का, कॉरपोरेशन का मालिक नहीं होता, हर शख्स में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने 92 दोस्तों को फ़ोन करके ये कहे कि तुमने 1,00,000 रुपया देना है और मैं शादियाँ करवाना चाहता हूँ। सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारे मुल्क से जहेज़ कभी ख़त्म होगा? अगर नहीं होगा तो फिर हर शख्स को अनवार साहब बनना पड़ेगा, हर शख्स को शाह साहब बनना पड़ेगा, वरना हमारी बेटियां बैठी रहेंगी, हमारी बहनें बैठी रहेंगी। हज़ारों ऐसी बहनें हैं, हज़ारों ऐसी बेटियां हैं, लाखों ऐसी बहनें बेटियां हैं जो जहेज़ के ना होने की वजह से बैठी रहती हैं। आज हमारे प्रोग्राम का मकसद ये नहीं है कि आपको ये दिखाएं कि यहाँ शादियाँ हो रही हैं। शादियाँ तो बिल्कुल हो रही हैं, नेक काम हो रहे हैं, हमारे मुल्क में बहुत बेतहाशा नेक काम होते हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम में आपको लाने का मकसद, आपको यहाँ बिठाने का, ये 2 घंटे जो आपने बैठ के शो देखा है, दिखाने का मकसद सिर्फ एक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहेज़ कितनी मुश्किल से जमा किया जाता है। ये 1,00,000 रुपये का जहेज़, फ़र्ज़ कीजिए आपकी 3 बेटियां हैं और आप कमाते 5,000, 7,000, 10,000 रुपये हैं, आप सारी ज़िंदगी नहीं कर पाएंगे। खाने से फुर्सत मिलेगी तो कुछ और करेंगे। आपको क्या कुछ करना पड़ता है और ये कितना बड़ा नेक काम है कि यहाँ इन्होंने एक पूरा गोडाउन जो है वो भरा हुआ है जहेज़ के सामान से। मैं जैसे ही स्टेप इन करूँगा आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, और आप भी मेरी ही तरह से तमानियत का सांस लेंगे, सुकून का सांस लेंगे, और आपके दिल से भी सिर्फ एक बात निकलेगी, जो लोग इतना कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके लिए बहुत करे। साहिर भाई, मैं एक जो बात ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंतजामिया को देखा और ऐसे लग रहा है जैसे इनके अपनी बच्चियाँ बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मुझे फ़ोन किया, मैं हाज़िर हो गया, और आइंदा साल मैंने शाह साहब से कहा है, एक तो मस्त है वो, एक से 20 भी इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह। और शाह साहब आप एक मेरी तरफ से भी इंशाल्लाह ताला, बहुत शुक्रिया आपका, ये भी आपकी तरफ से ही है, अपनी तरफ से समझे हम, हमें पता चला तो हम हाजिर हो गए। ये लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो सॉलिड रीजन जिसकी वजह से ये शादियाँ हो रही हैं, या वो सॉलिड रीजन जिसकी वजह से लाखों शादियाँ पाकिस्तान में रुक जाती नहीं हो सकती। आइए प्लीज आइए, अब जरा मुझे तफसील बताइए जी। हम कुरान पाक और जाए नमाज से शुरू करते हैं, तस्बीह सबसे पहले ये खरीदते हैं, उसके बाद हम फिर पेटी, मट्टी, ट्रंक और टब खरीदते हैं, फिर उसके बाद डबल बेड और सोफा लेते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, वॉशिंग मशीन है, सिलाई मशीन है, पंखा है, इस्त्री है, फिर उसके बाद रेस्ट वॉच है और वॉल क्लॉक है, फिर उसके बाद 5 जोड़े मर्दाना है और 5 जनाना है, फिर उसके बाद जनाब सारे बर्तन हैं, फिर अब वो 10 तक डिनर सेट है, टी सेट है, वाटर सेट है, ट्रे सेट है, हॉटपॉट सेट है, देचकी सेट है, और चमचा सेट है, उसके बाद प्रेशर कुकर है, पंखा यानी प्रेशर कुकर है, फिर चूल्हा है, फिर वाटर कूलर है,
फिर तवा चिमटा परात लोटा और ये बाल्टी और टिफिन और दूध का बर्तन, ये सब चीजें बर्तनों में शामिल है। सारी चीजें दुनिया की कोशिश ये की जाती है। ये कैमरा मुझे दीजिएगा, मैं यहाँ पर खड़ा हूँगा और मैं इसकी खुद वीडियो बनाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, पैसे की शक्ल में भी कुछ दिया जाता है? पैसे की शक्ल में नहीं, सिर्फ चांदी की अंगूठी डाली जाती है, नेट कैश कुछ नहीं। नेट कैश कुछ नहीं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर इस वक्त जो वीडियो बना रहा हूँ वो इस सारे सामान की है और मैं चाहता हूँ मैं ऊपर इस कैमरे को लेके जाऊंगा। मुझे नहीं पता मेरा हाथ कांपेगा या नहीं कांपेगा, मुझे नहीं पता। आप देख सकते हैं इसको, नहीं देख सकते, हद निगाह तक जहाँ तक नजर जाती है ये सारा का सारा सामान जो है वो पड़ा हुआ है। 92 दुल्हनें जो हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, 92 दूल्हा मौजूद हैं, 92 दूल्हा दुल्हन का ये सामान जो है ये यहाँ पे मौजूद है। मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको देख रहे हैं और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ उन तमाम लोगों से जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह करे कि हमारी बेटियाँ बगैर जहेज के ब्याही जा सकें। लेकिन लेकिन ये काम जो यहाँ हो रहा है ये बहुत बड़ा काम है, इसमें अगर आप हिस्सा डालना चाहते हैं जब तक हमारी सोच नहीं बदलती। मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ? अच्छा, जब तक हमारी सोच नहीं बदलती तब तक हमको शाह साहब बनना है। मुझे ऊपर उठाएगा, तब तक हमको शाह साहब बनना है। हाँ जी, इस पर चढ़ सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल। ये देखिए, जब तक हमारी सोच नहीं बदल जाती तब तक आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। हमारे मुल्क में कोई बेटी इस वजह से ब्याही नहीं जाए, घर पे बैठी ना रहे, कि वो जहेज अफोर्ड नहीं कर सकती। किसी बाप को ये फिक्र ना हो कि जब उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है तो वो किसी तौर की भी जहमत है, क्योंकि बेटी हमेशा रहमत होती है। और रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर नेक अख्तर बीबी फातमा तो जहरा, उनसे बड़ी बेटी दुनिया ने, हिस्ट्री ने कभी देखी नहीं और ना कभी देखेगी। बस उसकी निस्बत बेटियां, उनकी निस्बत बेटियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं यहाँ आसमा और आफ्ताब के साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले आफ्ताब से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप आफ्ताब? ठीक ठाक। खुश हैं? खुश हैं। क्या क्या आज कैसा लग रहा है दिल में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बाद में पता चलेगा। नहीं नहीं, दिल में कुछ हो रहा है? हो तो रहा है ना, मतलब नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, खुश तो हो ना? खुश हूँ। अच्छा, क्या करते? क्या खराद का काम करते? खराद का काम करते हैं। ओके, और बेगम को इससे पहले कभी देखा था? देखा था। खुद पसंद किया? माँ बाप ने पसंद किया। माँ बाप ने देखा था? नहीं नहीं, चुपके नहीं देखा। माँ बाप ने पसंद किया। खुश रखेंगे आप? खुश रखेंगे इंशाल्लाह। बेगम से पूछा इनको कुछ पकाना आता है? नहीं अभी पूछे, तो खुद पूछो तुम्हें कुछ पकाना आता है? पूछे पूछे पूछे। इतने सीरियस क्यों हुआ पहले ये तो बताओ जरा। है इतना बेचारा वो हुआ है ना कि बिल्कुल ऐसे बेचारा होके बातें कर रहे, थोड़ा सा हंसो तो सही। तुम दूल्हा हो, देखो कितने कितने बड़े लोग हम सब शादी में आए हैं, तो थोड़ा हंसो तो सही। क्या नाम है? यार कोई बात नहीं, हंस दो, कुछ नहीं होता। सारी जिंदगी तुमने फंसने है जाके, अब हंस दो। अच्छा मुझे ये बताओ, अपनी दुल्हन से बोलो तो सही, तुम्हें कुछ खाना बनाना आता है? ये तो बोल दो। दोनों में अभी भी एक जैसे बिल्कुल नहीं बात कर रहे। वो इसलिए नहीं पूछ रही ना कि कहीं बाद में भी तू ना दे सामने, मेरे तो पूछ दी थी मेरे रोटी खानी आंदी है। अच्छा, आज हम एक रस्म करने जा रहे हैं और वो है, अहमद तुमने गाना गाना है इसके लिए, बल्कि मलकू भाई, और वो रस्म जो है वो मुंह दिखाई पे कौन से गाने होते हैं नॉर्मली? माइक आप बता दो कोई है। ओ क्या बात है बॉस, वेरी नाइस। घूंघट की आड़ से दिलबर का
सिंघार अधूरा लगता है जब तक ना मिले आशिक की नजर, जब तक ना मिले आशिक की नजर, सिंघार अधूरा लगता है। घूंघट की आड़ से दिल भर का ये माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप ऐसे रखें, वाह 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 वाह, शुक्र है कि ऐसे ही रखना कहीं होने के लिए नहीं, नहीं ये चीज बाद में होगी। हां दुल्हन बहुत प्यारी है, दिखाई भी होती है, वो दिखाई भी होती है। मैं दे रहा हूं। अच्छा आप दे रहे हैं, मैं भी निकाल रहा हूं, आप दे दीजिए। ये बेटा साथ दीजिए, ये लो बेटा, ये आपके लिए। थैंक यू इनके लिए बहुत सारी तालियां और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। Once again, जी हम यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी देर के बाद 192 पाउंड का केक जो है वो यहाँ पर काटा जाएगा। इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। पिछले दिनों जो मैंने शोज़ किए हैं उसमें मैंने पाकिस्तान को मुत्तहिद देखा है, चाहे वो सानिया पेशावर हो, टिम्बर मार्केट का हो या अनारकली का इंसिडेंट हो, मैंने पाकिस्तान को बहुत मुत्तहिद देखा है। ये एक बड़ा और तरह का शो हमने किया है, ऐसा मॉर्निंग शो मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं किया था। ऐसी शादी, मेरे ख्याल में शायद मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने बेतहाशा शादियों के शोज़ किए हैं और शायद सबसे महंगी एक्सपेंसिव शादियां की, सबसे एक्सपेंसिव शादियां की। लेकिन उन शादियों के पीछे एक कॉज था और वो कॉज ये था कि हमने कोई ना कोई पैगाम ज़रूर दिया था। हमने वो शादियां की, फिर इसके बाद अगर आपने उसके लास्ट एपिसोड्स देखे हों तो आपको पता चला होगा कि हमने वो शादियां क्यों की थी। एक बहुत ग्रेटर मैसेज था जो उससे हमने डिलीवर किया था। जहेज़ के मैं हमेशा से ख़िलाफ़ रहा हूँ और मेरे ख्याल में जहेज़ एक ऐसी चीज़ है जिसका सत्यभाव होना चाहिए, हमको उसके ख़िलाफ़ काम करना चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि हम अपनी सोच को बहुत जल्दी बदल नहीं पाते तो हम क्या करेंगे। तो अगर आपको कुछ देखना है तो आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 92 शादियाँ की जा रही हैं जहाँ हर कपल को कम अज़ कम 1,00,000 रुपये का जहेज़ दिया जा रहा है। यहाँ मेरे पास इस वक्त 5 लोग कुर्सियों पर बैठे हैं जिनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो इस इंतज़ामिया में आते हैं। एक शख्स की ये कॉरपोरेशन है विच इज़ अनवार कॉरपोरेशन, दूसरा शख्स उनका दस्तराज़ है जो आबिद शाह साहब हैं, और दोनों मिलकर, क्रेडिट कोई नहीं लेना चाहता, दोनों मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं। ये पूरी एपिसोड आपने देखी है, मैं इन दोनों से कुछ आखिरी बातें करना चाहूँगा। सलाम अलैकुम सर, आप जब ये ख़त्म कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम है और बड़ी आसानी से हो जाता है, हमें महसूस ही नहीं होता। तकरीबन 4:30 बजे हम फारग होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब काम इजी हो जाता है। फिर अगले साल की तैयारी में लग जाते जी, वो तो तैयारी तो फौरन ही होती है, तो फौरन जी शुरू हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा साल ये सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, जो आपके साथ जिनको जहेज देते हैं जी, वो कंपनीज आपकी मदद करती हैं? हाँ जी, जिनसे जहेज लेते हैं वो कंपनीज आपकी मदद करती हैं, कोई कॉस्ट पे आपको चीजें जी कॉस्ट पे देते हैं, सब लोग कॉस्ट पे, प्रॉफिट नहीं, नो प्रॉफिट एट ऑल। वो सारे लोग जो पाकिस्तान के बहुत गलत गलत इमेज को दिखाते हैं, बहुत गलत गलत शोज दिखाते हैं, उनको ये शो देखना चाहिए कि न सिर्फ ये लोग मदद कर रहे हैं बल्कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी सिर्फ कॉस्ट को लगाते हैं, कॉस्ट के अलावा वो भी कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते हमसे, बिल्कुल नहीं लेते जी। ये बल्कि फर्नीचर वाले तो ये वो को 8-10 हज़ार सस्ता मिल रहा है, अपनी जेब से जब टोटल बिल बनता है तो 2,00,000 रुपए उसमें से मनफी करता है, ये मेरा हिस्सा है इसमें। क्या बात, हमारे साथी हैं, हमारे साथी हैं, खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं हमारे बारे में, उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार। वाह वाह, क्या बात हजरत। तो हमने ये इस आगाज इसलिए किए था कि यतीम को काबले रहम समझा जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे आका मौला ने यतीम बनकर आकर उनकी दस्तगीरी फरमा दी है, और अब क़यामत तक जो है कोई यतीम अपने आप को ये महसूस ना करे कि मैं बेसहारा हूँ, उसका सहारा हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हम हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया था कि दुनिया का बेहतरीन दस्तरखान वो है जिस पे यतीम बैठा हो, तो आज हमारे साथ कम से कम 42 यतीम बच्चियां हैं जो इस वक्त बैठी हुई हैं। माशाल्लाह, हम अपने आप को खुशकिस्मत तसव्वुर करते हैं। वाह 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 वाह, 42 यतीम बच्चियां ऐसी हैं जो आज की शादी में शरीक हैं, आज उनकी शादी हो रही है।
कैसा महसूस होता है जब 42 बच्चियों को आप यतीम बच्चियों को रुख्सत करते हैं और 92 बच्चियों को आज आप आज पहली मरतबा 92 शादियाँ हो रही हैं? जी जी, दूसरी जब आप इनको रुख्सत करेंगे तो कैसा महसूस होता है? वो इंतहाई खुशी का टाइम होता है और ऐसे ही होता है जैसे हम अपने घर का प्रोग्राम कर रहे हैं और हम देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं उस वक्त। सब दोस्त जो है ना, जो हमारे कुलीग हैं, जो हम मिल के कर रहे होते हैं, इंतहाई खुशी का टाइम होता है। मैं तो इनकी इनकी खुशी देख कर और जो इनको जो सुकून है वो इतना मुझे अच्छा लग रहा है कि इन्होंने 42 यतीमों की शादी की है और वो बेटियाँ जो सोच भी सकती कि उनकी इतनी बड़ी शादी होगी और वो कितनी खुश होंगी और अल्लाह कितना खुश हो रहा आप लोगों से। अल्लाह आपको और अजर दे और आपको सलूट है मेरी तरफ से। बहुत बहुत माशाल्लाह आपका जी, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, हमें मुझे तो आपकी गुफ्तगू सुन के ऐसा लगा कि जैसे कोई आलिम बैठा हुआ है और इतनी प्यारी गुफ्तगू, क्योंकि इंसान की इंसान जो है वो अपनी जुबान के नीचे ही पोशीदा है ना। तो आपने बोला तो आपने जाहिर किया कि आप क्या हैं, तो बड़ी खुशी हुई हमें भी। और क्योंकि लोग हमारे फैंस होते हैं, हमसे बहुत ऑटोग्राफ लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, और हमें आपके साथ बैठ के और आपकी मुझे बड़ा फखर महसूस हो रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। बड़ी मेहरबानी, हम आपके बहुत ममनून हैं। पूरे इलाके को भी, जो आपके बाजू में, उनको भी सेहत दे और खुशियां दे बहुत ज्यादा, और आपकी टीम को अल्लाह बहुत अजर दे, बहुत अजर। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे। तुम्हारा कैसा लगा सारा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये मैं पहली दफ़ा ही ऐसी नहीं, पहले भी मैं 2-3 दफ़ा ऐसे गई हूँ, लेकिन इतनी बड़ी किसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे 92 हों शादियाँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप बड़े बड़े प्रोग्राम छोड़ के यहाँ आए हैं। जब हजूर अलैहिस्सलाम को मेराज शरीफ पे की दावत मिली और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो उनको बराक सेलेक्ट करने लगे, तो एक कमज़ोर सा मेरे जैसा बराक एक कोने पर लगा हुआ था, तो वो रो रहा था कि इतने बड़े बराक हैं, इतने मजबूत बराक हैं, वो जाएंगे मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन जिब्राइल की नज़र उस पर पड़ी तो हजूर ने फरमाया जिसने आजजी की हो उसको सरबुलंदी मिलती है। तो हम तो आजजी करते हैं, ये हमारे मेहमान हैं, हम इनकी दस्तबोसी करते हैं, बल्कि हम इनकी कदमबोसी करते हैं, और हम इनसे माजरत करते हैं कि अगर हमसे कोई खमी रह गई है तो लिला हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम आप पूरी कोशिश कर की अपनी तरफ। मैंने सुबह से हम लोग हैं, साहिर भाई, मैं, पूरी टीम और मेरा जी भी आ गए। मुझे रात को फ़ोन आया कि सुबह 9 बजे जाना है, मैं 3 बजे शो से गया हूँ घर। वल्लाह बाखुदा मैं खुशी से सोया नहीं, और जब यहाँ पे आया हूँ लोगों का प्यार देखा, और सबसे बड़ी बात साहिर भाई मुझे जो अच्छी लगी, किसी को कोई पता नहीं देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है। और इस्लाम में भी यही है कि अगर एक हाथ से दे रहे हो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। मालिक कायनात आपकी तौफीकात में बरकत दे, आपको सेहत दे, पूरे अहले इलाका को सेहत दे, और जो आपके डोनर्स हैं जिन किसी को नहीं पता, अल्लाह उनको सलामती सेहत दे। पर इंशाल्लाह अगले साल से भी बचाए, अगले साल से हम लोग, अगले साल से हम भी इंशाल्लाह आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, बहुत थैंक यू वेरी मच। जज़ाकअल्लाह। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी शो खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, अब से थोड़ी देर के बाद ये 192 पाउंड का केक जो है ये भी कट हो जाएगा। इसकी फुटेज आप देखेंगे और उसके बाद, या शायद फुटेज आप, डिपेंड करता है एडिट में हम कहाँ लगाते हैं, एंड में देखें, लेकिन एक पूरा चंक है जो हमने रिकॉर्ड किया है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। पहले मैं सोच रहा था कि वो आखिरी बात मैं तब करूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि वो आखिरी बात मैं अभी कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता कि कल हम होंगे या नहीं होंगे, मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मुझमें इतनी इस्तात नहीं है कि मैं किसी के साथ नेकी कर सकूं। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरा फ़र्ज़ मुझे पुकारता है। अजीम होते हैं वो लोग जो अपने फ़र्ज़ की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं। बेटियां सबकी सांझी होती हैं, मेरे मुल्क में करोड़ों बेटियां ऐसी हैं जिनके पास जहेज़ के पैसे नहीं हैं। आँखों में उनकी भी ख्वाब हैं, दिल में उनकी भी ख्वाहिशात हैं, और वो अपने माँ बाप की दहलीज पर बैठे अपने सर के बालों में चांदी उगा लेती, फिर उनका रिश्ता नहीं आता, और आहिस्ता आहिस्ता एक रोज़ वो चिड़चिड़ी हो जाती है। मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी। अल्लाह ताला ने नबी को बेटी क्यों दी? क्योंकि बेटी का दिल नाजुक होता है, बेटी से ज़्यादा हसीन कोई चीज़ नहीं। अगर आपके घर में बेटियाँ हैं तो उनकी हिफाजत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, और अगर आप किसी की बेटी को लेके आ रहे हैं तो याद रखिए आप अपने घर में किसी की बेटी लाते हैं जिसके सवाल और जवाब आपसे होंगे।
आप पे लाजिम है कि आप एहतराम करें बेटियों का और उनके दिल का। बस अब चल के केक काटते हैं और कोशिश करें कि जहेज ना लें। हर आदमी अनवार साहब नहीं होता, शाह साहब नहीं होता, हर जगह मुरीद की नहीं होती। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ ना अनवार साहब पहुँचेंगे ना शाह साहब पहुँचेंगे और ना उस जगह का नाम मुरीद के होगा। तो कोशिश कीजिए कि जब आप किसी की बेटी का हाथ थामें तो अपने ज़ोर बाजू पर भरोसा करें और ये कहें मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, बेटी के साथ आया हुआ सामान। कहना है कह तो दिल की हर बात जी।